नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आईटी आरकेसीएल सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कल अपने टेबल की थी, आज अपने आगे के ऑप्शन करते हैं पिक्चर। तो पिक्चर क्या है अपने? पिक्चर आपको जैसे डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो आपको कोई फ़ोटो वगैरह, जैसे बुक वगैरह प्रिंटिंग का कार्य वर्ड के अंदर ही किया जाता है, तो आपको कोई फ़ोटो डालनी हो तो आप पिक्चर ऑप्शन के द्वारा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर के सारे पार्ट्स खुल जाते हैं। कंप्यूटर का जैसे आपके घर में रूम होता है, ठीक है, ड्राइंग रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, ठीक है ना, रेस्ट रूम होता है या बेडरूम होता है, इस तरीके से ही कंप्यूटर के अंदर ये सारे पार्ट बने हुए होते हैं। इनको क्या कहते हैं? जैसे डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप एक एरिया है जहाँ पे आप कुछ भी फाइल रख सकते हो। डेस्कटॉप आपको पता है जो पहली स्क्रीन आती है वो डेस्कटॉप कहलाती है, ठीक है। तो आपको बस जो भी आपकी फ़ोटो है, जो जहाँ पर भी है वहाँ पे जाके आप उस फ़ोटो को क्लिक करते और उसको इंसर्ट करोगे तो वो आपके इस वर्ड फाइल के अंदर आ जाएगी। इस फाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको हैंडल मिलेंगे इस तरीके से। इस हैंडल का उपयोग करते हुए आप पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हो। तो जैसे ये पिक्चर को छोटा बड़ा कर रहा हूँ मैं, तो जितना साइज़ का आपको चाहिए उस साइज़ का आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। पिक्चर के बाहर आ जाओगे तो आपको ये हैंडल नहीं दिखेंगे। जैसे मैं अभी पिक्चर के बाहर हूँ, यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब आपको ये हैंडल नहीं दिखेंगे। पिक्चर के ऊपर क्लिक करोगे तब आपको दिखाई देंगे। तो पिक्चर पे जब यहाँ पे देखो आप, व्यू के बाद यहाँ पे आपको कोई भी एक नया टैब नहीं दिखाई दे रहा। पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करते हो आपको फॉर्मेट टैब दिखाई दे रहा है। जैसे ही पिक्चर के बाहर आते हो आपको फॉर्मेट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करते हो तो ये फॉर्मेट टैब जो है, ये पिक्चर का सब टैब है। इसको क्या कहते हैं? पिक्चर का सब टैब। तो यहाँ से आप पिक्चर को एडिटिंग कर सकते हो। जैसे आपको कोई इसका जो आपको फ्रेम चेंज करना है तो आप फ्रेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इस फ्रेम को इस तरीके से करना है आपको, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। कोई कलर आपको चेंज करना है, इसके अंदर इफेक्ट देना है आपको, तो इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। आर्टिस्ट इफेक्ट है यहाँ पे, जैसे इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो फोटो जैसे आप मोबाइल के अंदर एडिटिंग करते हो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर चेंज करना है आपको, रेड कलर का बॉर्डर देना है तो ये बॉर्डर भी इस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। किसके अंदर? पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट नज़र आएगा। ये हो गया पिक्चर डालना, पिक्चर को एडिट करना। पिक्चर को हटाना हो आपको तो इसके ऊपर आप क्लिक करके बैक स्पेस की, कंप्यूटर के अंदर आपके कीबोर्ड के अंदर कौन सी की होती है? बैक स्पेस की के द्वारा उसको हटा सकते हो आप, ठीक है। डालना और हटाना दोनों आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपके क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट जो होता है वो आपके, ये क्या होता है, जैसे पिक्चर और क्लिप आर्ट दोनों सेम चीज़ हैं, ठीक है। पिक्चर और क्लिप आर्ट दोनों ही इमेज इमेज यानी फ़ोटो डालने के काम आते हैं। पिक्चर में ये होता है कि पिक्चर आपके कंप्यूटर में आपने कहीं पर सेव की हुई है तो ही आप उसको डाल सकते हैं, जबकि क्लिप आर्ट के अंदर आपको पिक्चर सर्च करके आप पिक्चर डालने का आपको ऑप्शन जो है वो मिलता है। जैसे क्लिप आर्ट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिप आर्ट का आ जाता है। तो जैसे भी आप, जैसे आपको टाइगर की फ़ोटो डालनी है तो आपने टाइगर लिख के सर्च किया तो ये टाइगर की फ़ोटो आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके इंसर्ट कर दोगे तो ये टाइगर की फ़ोटो आपके यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्लिप आर्ट, ये जो टाइगर की फ़ोटो है वो कहाँ पर है जो आपके यहाँ पे आ गई, यानी कंप्यूटर में कहीं ना कहीं सुरक्षित है। तो ये अपने डॉक्यूमेंट जो अपने वर्ड का ये सॉफ्टवेयर है ये लेते हैं तो इसके साथ इनकी क्लिप आर्ट की फाइल जो है वो भी आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक आ जाती है। तो वो यहाँ से आप ले सकते हो। इसी तरीके से जैसे आप पिक्चर डालनी थी इसको भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह इसमें भी फॉर्मेट टैब आ जाता है, उसको चेंजेज कर सकते हो, बाकी पिक्चर की तरह सेम है। फिर आपको इसको हटाना हो तो बैक स्पेस से इसको हटा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके शेप। शेप जो होता है आपके कंप्यूटर में, तो जैसे आपको ट्रायंगल, रेक्टेंगल या स्टार या इस तरीके की शेप डालना हो, तो जैसे मैथ का पेपर बना रहे हैं तो अपने को हो सकता है कि यहाँ पे ट्रायंगल का जो है वो साइन देना पड़े, ट्रायंगल बनाना पड़े। तो यहाँ से अपने ट्रायंगल जो है जैसे क्लिक किया तो ये प्लस का साइन आ रहा है। प्लस का साइन आने के बाद आप माउस से क्लिक करते हुए इसको क्या है, अपने ट्रायंगल को बना सकते हो। जितना बड़ा बनाना है या जितना छोटा बनाना है आप माउस का मूवमेंट करोगे उस हिसाब से ये बन जाएगा। फिर आप माउस क्लिक को छोड़ दोगे तो ये आपका ट्रायंगल आ जाएगा। ट्रायंगल के अंदर आपके फिर फॉर्मेट का टैब मिल जाता है। आपको इसके अंदर का रंग चेंज करना है, इसकी आउटलाइन चेंज करनी है, ठीक है। तो ये सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हो। इसको हटाना हो तो बैक स्पेस से आप इसको
हटा सकते हो, तो बहुत इजी है शेप का भी डालना। नेक्स्ट आता है अपने स्मार्ट आर्ट, ठीक है। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर के पार्ट्स बताते हैं, जैसे अपने एक थ्योरी क्लास के अंदर कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस की थी, तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है, एक तो है कीबोर्ड, ठीक है, माउस, ठीक है, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है आपका, और OMR है, OCR है, MICR है, तो इस तरीके की अपने इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो इन इनपुट डिवाइस को अपने क्या करेंगे, इन इनपुट डिवाइस को एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं अपने, ठीक है, इस तरीके से लिख के इसको नंबरिंग दे दी, या अपने बुलेट दे सकते हैं इनको। आप होम टैब कराया हुआ आपको, जिसने नहीं देखा है पहले वो वीडियो देख लें, होम टैब मैंने पूरा करवाया हुआ, इस तरीके से दे सकते हैं आप, या इसको एक आप पिक्चर की तरह या एक डायग्राम की तरह इसको दर्शाना हो तो आप स्मार्ट आर्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको लगभग ये देखो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट आपको सारे दिखाई दे रहे हैं। लिस्ट टाइप का आपको कोई चीज़ बनानी है, ठीक है, आपको कोई प्रोसेस टाइप का बनाना है, कोई आपको सर्कल टाइप का बनाना है, जैसे ये बनाना है आपको, तो इसका एक आपको बना के दिखाते हैं। जैसे ये फॉर्मेट चाहिए आपको, आपने इसको चुना और इंसर्ट ओके कर दिया, तो यहाँ पे आपका स्मार्ट आर्ट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। आप इसको चाहे हटा दो पास में जो आया है। इसके बाद यहाँ पे आप सीधा टाइप कर सकते हो, जैसे आपको ये बताना है कि कीबोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे आप जैसे जैसे आप जो भी चीज़ें आपको लिखनी है वो आप इसके अंदर देख सकते हो, माउस है, ठीक है, OMR है, ठीक है, यहाँ पे OCR है, ठीक है, यहाँ पे MICR है, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। अब जैसे देखो इसमें एक दिक्कत आ जाती है कई बार बनाते समय अपने, जैसे अपने जब इसको डालते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो आपको पांच सर्कल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 पांच शेप जो है वो आपके ऑटोमेटिक इस आपके स्मार्ट आर्ट के अंदर आई है। ये स्मार्ट आर्ट डाला था अपने, पांच आई है, तो हो सकता है आपको इससे ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ऐसी शेप आपको, जैसे इनपुट डिवाइस आपके पाँच न होकर छः है, जॉयस्टिक भी आपकी एक इनपुट डिवाइस है, तो आपको छः डालनी हो इसमें, तो आप कैसे डालते हैं आप, तो आप कोई भी शेप पर क्लिक करो और यहाँ पे जाके आपको माउस से राइट क्लिक करना है, राइट बटन का बटन आता है आपके माउस पे, उसको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे ऐड शेप करके आप शेप और ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से आपको और चाहिए तो ऐड शेप करते हुए आप शेप जितनी ज़्यादा आप डालना चाहें उतनी डाल सकते हैं, ठीक है। शेप को अगर आपको चेंज करना हो तो आप शेप को चेंज भी कर सकते हो, जैसे कीबोर्ड की शेप को आपको चेंज करना हो तो वही राइट क्लिक करके चेंज शेप करके इसको, जैसे त्रिभुज बनाना है तो त्रिभुज के अंदर आपने इसको बदल दिया, तो शेप को चेंज भी कर सकते हैं और आप इसके अंदर और ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक आपको दिख दी, ठीक है, हो सकता है आपने ज़्यादा डाल दी, इनको हटानी भी पड़े, तो आप उस शेप को चुनो और बैक स्पेस की दबाओ अपने कीबोर्ड की सहायता से, तो वो हट जाएगी। तो ये अपने स्मार्ट आर्ट जो है वो डाल दिया। स्मार्ट आर्ट पे जैसे क्लिक करते हो आपको डिजाइन और फॉर्मेट नाम से दो टैब मिल जाते हैं। इन डिजाइन और फॉर्मेट के द्वारा आप इसको और आकर्षक रूप से बना सकते हो, आपको जैसी डिजाइन पसंद हो वैसी डिजाइन के रूप में इसको डाल सकते हो। आपको कलर थोड़ा चेंज करना है तो यहाँ से आप इसकी ये भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर भी आपको मिल जाएगी, जैसे ये आपने चुना इसकी आपको चेंज करना है सिर्फ और इसका दूसरा रंग करना है, ठीक है ना, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके जब फाइनल हो जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इसके बाद इसको हटाना हो तो आप इसको चुन कर पूरा इस तरीके से चुन कर बैक स्पेस दबाओगे तो ये सारा हट जाएगा। तो ये हो गया अपना स्मार्ट आर्ट। मेन ऑप्शन एक और कर लेते हैं आज, चार्ट। चार्ट डालना हो आप आंकड़ों को टेबल की सहायता से भी दर्शा सकते हैं और चार्ट की सहायता से भी दर्शा सकते हैं। तो जैसे अपने एक टेबल बनाई थी जिसमें स्टूडेंट के अपने नंबर दिखा रहे थे, तो उसी तरह आप चार्ट के द्वारा भी ये कार्य कर सकते हो। चार्ट पे क्लिक किया, आपको चार्ट के कई प्रकार नजर आएंगे, जैसे ये कॉलम चार्ट अपने लेंगे, या जैसे ही आप ओके करोगे चार्ट का कोई भी प्रकार चुनकर आप ओके कर देते हैं, तो आपके क्या है ये कंप्यूटर की स्क्रीन जो है आपके दो भागों में डिवाइड होगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपके डिवाइड होगी। आप जहाँ पे कार्य कर रहे थे वहाँ पे चार्ट ऑटोमेटिक बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। चार्ट होएगा तो आपके पास कुछ ना कुछ आंकड़े होंगे, तो आप चार्ट में जैसे ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर लिखा हुआ है, ये टेबल जो है वो इस चार्ट को बनाए रखी है, तो अपने इस टेबल के अंदर चेंज करेंगे तो चार्ट में भी चेंज होगा। तो जैसे अपने कोई स्टूडेंट का नाम है वो यहाँ लिख लेते हैं, जैसे